मर्मविद के लक्षण बताते हैं। शाखा मर्म पर आते हैं, फोर्टीन ये कहलाते हैं। मलन यहाँ पर तीन से होता, शिप्र तल हृदय लोहिता। शिप्र में आक्षेपण होता, तल हृदय पर रुजा होती, लोहिताक्ष पर पक्षाघात। कुछ पर भ्रमण वेपन है, कुछ सिर पर शोफ रुजा। गुल्फ में भी रुजा कहते हैं, शब्द पाद और खंजिता। इंद बस्ती में रुजा बताई, शोणित छह के बाद ही। जानू पर खंजिता है, मणिपंद पर कुंठता। आणी में सोफा अभिवृद्धि, शब्द शक्ति के साथ साथ। उर्वी में शोणित छह होता, शक्ति शोष के साथ साथ। विटप पर आघात होगा तो शांड अल्प शुक्रता होगा। कर्पूर पर कूणी, कक्षधर पर पक्षाघात। छाती के मर पर अब आते, ये हमारे आठ कहलाते। गुद बस्ती हृदय नाभि, इम्पोर्टेंट है ये मर्म। सद्य मरण है इनका कर्म। सन मूल पर कफपूर्ण कोष्ठता का स्वास्थ्य के साथ साथ। अपस्तंभ में वातपूर्ण कोष्ठता, सन रोहित में लोहितपूर्ण कोष्ठता। अपलाप में रक्तेन पूय भावम गवेन मरणम। अपलाप में रक्तेन पूय भावम गवेन मरणम। पृष्ठ मर्म अब हम बतलाते, इनकी संख्या सात बताते। अटिक तरु शोणित क्षय, पांडु विवरण और हीन रूप। कुकुंदर पर विध होने से अधा काय पर चेष, दा पर आघात और स्पर्श में भी अज्ञान। नितंब में भी समान है, अधा काय पर शोष, दौर्बल्य और मरण होता। पार्श्व संधि पर लोहित पूर्ण कोष्ठ दया, ये होता मरण के साथ। बृहति पर शोणित अति प्रवृत्ति, ये बड़ी बात है। अंश फलक पर होता है बाह्य स्वाप शोष। सप्तबाहुता होता है अंश पर। ग्रीवा के मर्म बताते हैं, ये बारह कहलाते हैं। दो नीला है दो मन्या, अभाव होता रसक्राया। स्वर विकृत के साथ साथ। मातृका है सद्य मरण, क्रिकाटिका में चल मूर्द। सिर का बार बार हिलना होता, विधुर में विध होने से हो जाता है बाधिर्य। फण में होता गंध का नाश। अपांग आवृत पर दृष्टि उपघात, स्थपनी उत्सेप सेम सेम है। शल्य रहेगा जब तक अंदर, नहीं मरेगा वो बंदर। शल्य जब निकल गया, मरण भी उसका हो गया। अपने आप पक्के निकलने वाला शल्य हो जाता है साध्य। श्रीमंत पर लग जाए तो उन्माद भय और चित्तनाश। श्रृंगार टक में सद्य मरण।